अगर आप नेफिकर हैंडहेल्ड वायरलेस माइक्रोफोन को रिपोर्टिंग माइक की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए माइक्रोफोन को ख़रीदने से पहले। ये एक वायरलेस माइक्रोफोन है जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर जो कि माइक्रोफोन है और रिसीवर जो उस डिवाइस में लगता है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ये दोनों 30 से 50 मीटर तक की रेंज में काफ़ी आराम से काम कर सकते हैं। आपको इसे अपने फ़ोन या DSLR या फिर किसी डिवाइस में लगाना होता है जिसमें आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और ये आप हाथ में लेकर घूम सकते हैं। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि अधिकतर रिपोर्टर्स आजकल स्मार्टफोन ही यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, काफ़ी कम लोग प्रोफेशनल कैमराज यूज़ करते होंगे। तो जो लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग के लिए, मैं उन्हें ये बता दूं कि ये 6.5 mm का पिन डायरेक्टली नहीं लगेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई भी 3.5 mm का कन्वर्टर खरीद लेंगे और वो काम कर जाएगा, तो वो भी काम नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस माइक्रोफोन को स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक 6.5 mm टू 3.5 mm कन्वर्टर खरीदें जो कुछ इस तरह का होगा। ये एक स्पेशल तरह का कन्वर्टर होता है जिसे TRRS पिन कहते हैं। इसमें 3 ब्लैक कलर के रिंग्स बने होते हैं, तो अधिकतर स्मार्टफोन्स यही फॉर्मेट यूज़ करते हैं माइक्रोफोन को डिटेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नेफिकर का ये वाला अडॉप्टर वेबसाइट से ख़रीदें और उसके बाद ही आप इसे स्मार्टफोन के साथ यूज़ कर पाएंगे। अगर आप स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये अडॉप्टर ख़रीदें, वरना ये माइक्रोफोन आपका फ़ोन के साथ स्मार्टफोन के साथ काम नहीं करेगा। स्मार्टफोन को कनेक्ट करने के लिए आप 3.5 mm जैक में इस रिसीवर को अडॉप्टर के साथ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आप कोई केस यूज़ न करें। जब आप केस यूज़ करेंगे तो ये वाला एंड शायद फ़ोन के अंदर प्रॉपरली ना जाए, और जब ये प्रॉपरली नहीं जाएगा तो ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की आवाज़ आती है जनरली जब कनेक्ट हो जाता है, पर केसेस होने के कारण ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये कनेक्ट नहीं होता है प्रॉपर्ली। सो अवॉइड यूजिंग अ केस एंड देन कनेक्ट इट लाइक दिस। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अधिकतर लोग इसे यूज़ करते हैं और इसे कनेक्ट करते हैं अपने रिसीवर में, अडॉप्टर को जब रिसीवर में कनेक्ट करते हैं तो वो बस इतना ही इंसर्ट करते हैं और बीच में ये गैप रह जाती है, और फिर उन लोगों का माइक काम नहीं करता है और उन्हें लगता है कि शायद माइक के साथ कुछ प्रॉब्लम है। परंतु माइक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, रिसीवर को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से पुश करना है। जब आप रिसीवर को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से पुश करेंगे तो इसमें एक आवाज़ आएगी क्लिक करके। देखिए मैं आपको सुना देता हूँ, इस तरह की आवाज़। और तब जाके आपका रिसीवर और अडॉप्टर तैयार है फ़ोन के साथ यूज़ होने के लिए। अब आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकतर एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं एक्सटर्नल माइक को डिटेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप इस स्मार्टफोन को कैसे यूज़ करेंगे। आपको डाउनलोड करनी होगी प्ले स्टोर से ओपन कैमरा ऐप जो आपको अलाउ करेगी एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करना। आपको ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करने के बाद सेटिंग्स में जाना है, उसमें वीडियो सेटिंग्स में जाना है, फिर ऑडियो सेटिंग्स में जाके एक्सटर्नल माइक्रोफोन को ऑडियो सोर्स की तरह चूज़ करना है ताकि आपका साउंड जो है इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो, न कि आपके फ़ोन के बिल्ट इन माइक्रोफोन से। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि आवाज़ तो आ ही नहीं रही सही से, बहुत कम आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके स्मार्टफोन के माइक से हो रही है, ना कि इस माइक से, इसलिए आवाज़ नहीं आती है। इसलिए अत्यंत ज़रूरी है कि आप ओपन कैमरा ऐप में जाके अपनी माइक सोर्स को एक्सटर्नल माइक सेलेक्ट करें, और उसके बाद ये आपके लिए बहुत आराम से काम करेगा। अगली इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस माइक्रोफोन को यूज़ करना चाहते हैं रिपोर्टिंग माइक्रोफोन की तरह, तो आप यूज़ करना चाहेंगे एक ID होल्डर जो कैरी करेगा आपकी रिपोर्टिंग एजेंसी का या फिर न्यूज़ चैनल का स्टिकर। यहाँ पर चाहे वो आज तक हो, NDTV हो या फिर कोई और न्यूज़ चैनल हो, टाइम्स नाउ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ टेस्ट किए हैं इस तरह के ID होल्डर्स। ये ID होल्डर माइक्रोफोन के साथ इंक्लूडेड नहीं होता है, आपको इसे सेपरेटली ख़रीदना है। ये शायद लगभग 200 रुपये तक के आसपास में मिल जाता है, और ये माइक्रोफोन काफ़ी आसानी से इसमें स्लिप हो जाता है। देखिए ये स्लिप हो चुका है
और हम इसे और स्लिप कर सकते हैं थोड़ा, ताकि ये जो एलसीडी स्क्रीन है माइक्रोफोन की ये आसानी से विजिबल हो आपको। तो आप जब एलसीडी स्क्रीन चलता रहता है तो आपको ये बात पता रहती है कि माइक्रोफोन ठीक तरह से काम कर रहा है, ठीक क्या चालू है, ये भी जानने के लिए एलसीडी स्क्रीन हेल्पफुल हो सकती है और होल्ड करने में काफ़ी कन्वीनियंट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 30 मीटर तक आप दूर ले जा सकते हैं अपनी डिवाइस से और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस माइक्रोफोन को रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग माइक्रोफोन की तरह यूज़ करने के लिए।